सबको मेखला बनाओ, एक एक मेखला ऊपर से चलो भैया। अरे करना हटा करके बांधो ना, खड़ा कर आंदोलन को, लड़के खड़े हो जाए, फोटो बाद में ले लेना, अभी यहाँ काम कर रहे हो, देख पड़ा तुमसे बात तो करने लायक नहीं है। क्या वो लड़का रो रहा है भाई? अब पढ़ना ऊपर से बोलो, पढ़ना इनको पैसे छोड़ना सिखा दो फिर बोला ऐसे ऐसे बोलो ना, ऐसे इतने आ रहा है। हाँ पेंटिंग में उनको सुन नहीं गई, हो गया चमकी है जिसको किशोरी से तुम लोग के हो, बस किशोरी के गाल पवित्रे मंत्रुत्ता जगज्योति
सूर्याय प्रदर्शये पुनः शक्तियों को संपुटे ध्याय लगे ऊपर अजनेव को हाथ में लेकर के ऐसे ठक लो उलझने से बचाना कर संपुटे ध्याय हाँ दस बार का श्री मंत्र बोल मन में खड़ा रखना है भगवान से मैं कर रहा मंत्रम पढ़ित्वा कुमारं यज्ञोपवीतं परिधापयेत् और दोनों का ग्रंथ एक जगह इकट्ठा कर देना और यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापते यज्ञं पुरस्तात् आयुज्यमगरं प्रजमञ्जसोऽहं यज्ञोपवीतं परमस्तुते यज्ञोपवीतमिति यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपहजामि प्रतीत्याम ओम दयाला प्रतिभ्याम ता परिदामी इति उदीच्याम ओम विश्वे भो
डूना में चावल भर कर यहाँ रखते पूर्ण पात्र उसमें कुत्ता बना करके आंटी चलाओ एक आदमी ब्रह्मचारी बनो। आप लोगों ने प्रतिज्ञा की क्या मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ बनूंगा। ओम आपो ताना इत्याचार्य असानीति ब्रह्मचारी। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग आचमन करना, ठीक है? आप लोग कहेंगे अच्छा करेंगे। ओम आपो ताना इत्याचार्य बोलिए असानी। उसके बाद कर्मा गुरु इत्याचार्य कहा गया कि आप लोग अपना अपना कर्तव्य का पालन करना। आप लोग बोलो कर्माणि करेंगे। ओम दिवा मास सुख। आपसे यह प्रतिज्ञा कराई जा रही है कि दिन में मत सोना। ब्रह्मचारी को दिन में नहीं सोना चाहिए। आप लोग बोलो नाक का पानी नहीं सोएंगे। वाचन यच्छा वाचन अध्ययन संपादय इत्याचार्य। आप लोग कहा गया कि आप लोग अध्ययन करते रहना। आप लोग बोलो संपादयामि। आप लोगों ने वचन दिया कि हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तमिद हमारे ही इत्याचार्य हवन करने के लिए संविधा का आह्वान करना यानी लकड़ी ले आना। आप लोग बोलो आदभावे। आपो ताने इत्याचार्य अतानी। आप लोग बोलो अतानी। अग्निरुद्रता प्राणकाय उपिष्टाय आचार्य चरणो संग्रम ध्रुवकम्बा सान्नाचार्य समिष्टमाणाचार्य स्वयं समिष्टयामि निर्मित संस्तुजा चतुर्थे कवि श्रीमन्वाचार्य समाजवादे सन्वाचार्य सब लोग हाथ लगा लो जी। दंड को सामने रख लो। दंड को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचारी दक्षिण हस्ते जलम आदाय ओम पूर्वोच्चारण स्वभाव पुणे भारद्वाज गोत्र। अपना अपना नाम रख लो।
अमृतानुगतर्माहं मम ब्रह्मवर्गसंसिद्ध्यर्थं वेदाध्ययनाधिकारार्थं च गायत्र्युपदेशान्वहितं गायत्री सावित्री सरस्वती पूर्वकमाचार्यपूजनं करिष्ये इति सङ्कल्पवाक्यं पठित्वा भूमौ जलं क्षिपेत् प्रतिपर्गिराजो प्रतिपर् सूक्ष्म रूप से कर दो, पंचोपचार से पूजन कर दो। ओम पारोपाद्यम हस्ते आत्मनियम सर्वांगतनानियम नाना आत्मनियम पत्रार्थे सूत्रम चंदन पुष्पमेरोलिचाल लगाकर कह देना। सर्वोपचारार्थे गंधाकृत पुष्पाणि समर्पयामि। रास्ता तो वेद बतावे, रास्ता तो निक वेद बतावे, जो कोई उसके रास्ते जावे, जो कोई उसके रास्ते जावे, पारो पर निर्वाणी चारों वेदों की, पारो पर निर्वाणी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, यजुर्वेद का जो यश गावे, यजुर्वेद का जो यश गावे, बोलो यजुर्वेद का जो यश गावे, यजुर्वेद का जो यश गावे, उसका यश प्रेरो की छावे, उसका यश प्रेरो की छावे, हो गए अमर कहानी चारों वेदों की, हो गए अमर कहानी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, सामवेद सबको समझावे, सामवेद सबको समझावे, सामवेद सबको समझावे, बोलो उसको जो कोई उसको सत्वर गावे, जो कोई उसको सत्वर गावे, बन जाए पूरा ध्यानी चारों वेदों की, 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 अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, अथर्ववेद में सबका ज्ञान, अथर्ववेद में सबका ज्ञान, अथर्ववेद में सबका ज्ञान, जो कोई ज्ञान ले इंसान, जो कोई ज्ञान ले इंसान, जो कोई ज्ञान ले इंसान, बन जाए पूरा ज्ञानी, बन जाए पूरा ज्ञानी चारों वेदों की, बन जाए पूरा ज्ञानी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, अमृत रूपी वाणी चारों वेदों की, मनन गौर का दान, शब बोलो शब मनन वेद का दान, अथवा करिए वेद का पान, चलने के लिए पड़े, अथवा करे जो वेद का पान, मिट जाए आवन जानी, मिट जाए आवन जानी, मिट जाए आवन जानी, चारों वेदों की अमृत रूपी वाणी, चारों वेदों की अमृत रूपी वाणी, चारों वेदों की, वामन अवतार भी लग रहे हैं, छोटे छोटे सनत सनत कुमार भी लग रहे हैं, तो स्वरूप को देखने से कोई शब्द नहीं है कि जिसे हम बयान कर सके कि जो अपने बच्चे इस समय बच्चे का ना तो पाप लगेगा हमें, जैसे इस समय साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो यज्ञोपवीत के बारे में
यह है कि यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, गंगा और यह से यमुना, और जो त्रि है वो तो त्रिवेणी है, तो ये गायत्री तीनों का संगम है, या इस प्रकार कह लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संगम, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण इसमें आ गए। तो कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत के तीन तार गायत्री के तीन चरण हैं। सबसे पहला चरण है तत्वरेणियम मई, दूसरा चरण। तो कहते हैं पुनीत में तीन प्रथम ग्रंथियां हैं, और एक बहुत बड़ा महाविज्ञान है, इसको समझना है कि ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर जिसको हम सब कुछ मान के बैठ जाते हैं ये वो नहीं है, ये उससे बहुत परे है, ये एक महाविज्ञान है। अपने स्वरूप को पहचानना है, स्वयं को, स्वयं को पहचानना है, सब धर्म को पहचानना है कि मेरा धर्म शरीर को मानने वाला नहीं है, सरलता पूर्वक सब में धारण करना और कह पापों में बांध सकते हैं इसको। प्रथम तीन व्यक्तियां चारों है, तो कहते शरीर बोलने की शक्ति, जो व्यक्ति देवत्व की प्राप्ति कर लेता है वही पवित्र अदर्श और साधन को अपनाता है, वही का मूल है। इससे नौ प्रकार की प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया लग लेती है वो प्रतिक्रिया होती है। तो आज ये बच्चों को इतना शुरू कर जो कराया गया है वो आम बच्चों में प्रतिक्रिया नहीं आएगी। दूसरा कहते हैं स्वयं की पहचान, फिर कहते शक्ति का संचय यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस के ऊपर बैठ गया जी आदमी बहुत महान है। नहीं, महान किससे होते हैं? अपने शुभ कर्मों से हम महान होते हैं। करता हुआ कहते पर धर्म, पर धर्म में असत नहीं होता। अब पर No.
आओ जी रवि बोलो Yeah.
पहले माँ से लेने के बाद पिता से, फिर माँ पिता इकट्ठे खड़े होकर के उसके बाद फिर चारों राजी बाल चंद्र चंद्र पाँच पाँच दे उसके चंद्र गड्डी के थोड़ा इधर घूम जाना आंटी जी कोई ना एक मिनट शाम दे ही कहना हेलो साइड दे जी अपना पाने का टाइम रखना पाने लाइन से आगे लाइन से
बैठो एक और माँ के सामने आ गए सामने को बैठो
तारीख बढ़ा दो उसी दिन करो खाली जगह सही है कैसे ठीक है देखो ये जी आपका अगे ना लाइए हाँ जी ठीक है सारे सामने देखियो हाँ जी ठीक है मणिपूर्णरत्नतस्कं रक्तोत्पलं विभ्रतीं सौम्यां रत्नगणस्तरक्तचरणां ध्यायेत् परामुम्बिकाम् परम पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार में इस समायोजन में आचार्य का पद ग्रहण करने वाले हमारे प्रधानाचार्य जी पांडे जी और इनके बच्चों के मातृकुल के और पितृकुल के इनके शरीर संबंधी और परिवेश और परिवार के लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों का जीवन जीवंत हो, आपका जीवन धर्ममय हो, पुण्यमय हो, इसके लिए संस्कार जरूरी है। भारतीय परंपरा में वैदिक आचार संहिता में धर्म के अनुशासन में महाभारत से लेकर के हनुमान चालीसा तक उपनिषद में वेदों में पुराणों में इतिहासों में नाना आगमों में निगम में षोडश संस्कार गिनाए गए हैं। उन षोडश संस्कारों में वंशवन संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक होता है। उन्हीं संस्कारों की श्रृंखला में ये संस्कार है, इसका नाम है यज्ञोपवीत, इसको उपनयन भी बोलते हैं, इसी के नाम भाषा में जनेऊ भी बोलते हैं। ये आज दिन हो गए हैं। व्यक्ति जीव मात्र, जीव में मनुष्य जन्म से ही जाति की उत्पन्न होती है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है और उससे इतर इतर है, उसके बाद आदि पुरुष बन गए, ये स्वरूपी बन गए, ये ब्रह्मनिष्ठ बन गए। आप लोगों को जो आपके माता ने कहा है आपको धन दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, दुकान मकान दे सकते हैं, आपके पति आपको दुकान मकान संतान दे देंगे, माताएं जन्म दे देंगी, पिता जन्म दे देंगे, मोक्ष नहीं दे सकते, स्वर्ग नहीं दे सकते, दिव्य लोग नहीं दे सकते, केवल भोग तो दे सकते हैं और भोग भोगने से लिप्सा बढ़ती है, काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है और ईर्ष्या बढ़ती है। इसलिए मंत्र एक ऐसी विधि है, एक ऐसा रास्ता है जो स्वर्ग भी दे सकता है और मोक्ष भी दे सकता है। इसलिए मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ विश्वास, अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म, ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह, क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह, वैश्य वैश्य की तरह और शूद्र शूद्र की तरह, सभी को मंत्र में अधिकार है, लेकिन अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार। इनके संस्कारों से जन्म दिव्य हुआ है। ये बालक है, ब्राह्मणों को तो 8 वर्ष में हो जाना चाहिए, अगर किसी कारणवश
कालावधि से नहीं हो पाया उसका प्रायश्चित होकर के भी हो सकता है। अब ये ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण ही देवता है, इस पृथ्वी का अगर देवता है पहला देवता उसका नाम ब्राह्मण है, बाकी तो सब उसके सेवक हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इनको भूसुर नाम से संबोधित किया है, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के सुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही होते हैं और बाकी जो लोग हैं उनके सेवक होते हैं। ये लोग भगवती सावित्री से दीक्षित हुए और गुरु परंपरा, मातृ परंपरा, कुल परंपरा, अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि का जो इनको अधिकार सापेक्ष हो गए हैं कर्म करने के लिए, दान है, पुण्य है, धर्म है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, इसके लिए आज ये बालक पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुके हैं और इसमें मातृकुल के संस्कार और पितृकुल के संस्कार इनके लिए संवर्धन करेगा इस तरह से। इसलिए आप लोग सभी लोग जितने जो भी हैं अपने अपने वर्ण के अनुसार, धन के अनुसार, आश्रम के अनुसार और माता माता की तरह, पिता पिता की तरह रहे, पुत्र पुत्र का धर्म निभाए, पत्नी पत्नी का धर्म निभाए और जिसका जो धर्म है उसी धर्म का आचरण करे और स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते हुए अपना जीवन यापन करे, धर्म पूर्वक, आश्रम पूर्वक, जाति पूर्वक, जाति और भेद नहीं मानेंगे, कर्म भेद नहीं मानेंगे तो संसार, देखिए जितने संसार में वस्तुएं हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिखेगा, ऐसा कोई पदार्थ आपके मन में नहीं आएगा जो पृथ्वी से उत्पन्न ना हुआ हो, ऐसा कोई द्रव्य दिखाइए जो पृथ्वी से उत्पन्न ना हुआ हो, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, चलने से, फिरने से, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पृथ्वी से उत्पन्न ना हुआ हो, जो पृथ्वी से उत्पन्न है और हम भी पृथ्वी से उत्पन्न है, ये धारा है, ये क्षमा सिर है, इसलिए व्यक्ति को सब जन्मे सब मन उपजाए, सभी परमात्मा के उपजाए हुए हैं और सभी परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए समभाव के लिए और पवित्रता, आहार, व्यवहार दो चीजें जरूर जिंदगी में ध्यान रखना, आहार अच्छा होना चाहिए और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐप की जिंदगी और कैश की जिंदगी नगर में दूसरी दे सकती है, इसलिए ऐप और कैश दोनों को परिचय करके आचार और व्यवहार, खान और पान, आचरण ये बड़ा पवित्र रखना चाहिए। जिसका देखिए एक बार व्यक्ति वेद पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, बहुत बड़ा साधक हो, अगर उसका खान पान ठीक नहीं है, आचार ठीक नहीं है तो उसमें पवित्रता भी नहीं आ सकती, उसको देवता भी क्षमा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, बहुत धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, उसका आचार ठीक होता है, उसका खान पान ठीक होता है, इसलिए उसकी गति हो जाती है। इसलिए आचारवान बनिए, पुण्यवान बनिए, अपना खान पान ठीक रखिए और पवित्रता से रहिए, यही हमारी शुभकामना है। और ये गोपी संस्कार है, कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है, ये बहुत संस्कारों में एक संस्कार है, बहुत पवित्र संस्कार है, अगर ब्राह्मण के संस्कार नहीं है तो ब्राह्मण होते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिगड़ी गोपित संस्कार किए चले जाते भगवान का, कुछ ऐसे लोग हैं जो गुरु के बिगड़ी चले जाते हैं संसार से। देखिए एक छोटी सी बात, बात अच्छी नहीं है पर सुना जरूरी है, कुत्ता लोग पालते हैं, कुत्ता तो पालते ही है लोग, फिर उसके घर में पट्टा बांध देते हैं, वो कुत्ता छूट जाता है तो लोग उसको मारते नहीं, उसके घर में शिकायत करते हैं कि भाई तुम्हारा कुत्ता छूट गया है तो पकड़ो कुछ करो, फिर लोग पकड़ लेते हैं। और एक जो गरीबी घूमने वाला होता है उसको खूब कोई पत्थर, कोई लकड़ी, कोई कुछ मारता है, जिसके घर में पट्टा है उसका कोई मालिक तो है, उसका कोई वारिस है, उसकी कहीं शिकायत है, दुर्व्यवहार करेगा तो रिपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह से जीव मात्र, मनुष्य मात्र ठीक भगवान का कुत्ता है, इसके गले में किसी की पट्टी नहीं है, गले की पट्टी माने कोई भगवान शंकर का शिष्य नहीं है, कोई विष्णु का शिष्य नहीं है, कोई दुर्गा का शिष्य नहीं है, तो आखिर आपके गले में किसकी कंठी है? या रुद्राक्ष धारण करते हैं
क्या तुलसी धारण करते हैं? क्या आपके कोई गुरु है? क्या कोई आपका ऐसी परंपरा का व्यक्ति है जो आपकी आइडेंटिटी हो? ये इसी का व्यक्ति है। आप यहाँ से जाएंगे भगवान के घर तो किसको बताएंगे हमारा मालिक कौन, कौन किसका मालिक है? इसलिए भगवान का कुत्ता बनने में अच्छी बात है, कम से कम उसका फट्टा तो बना रहेगा कि शंकर जी का शिष्य है, ये दुर्गा जी का शिष्य है, ये 33 करोड़ देवताओं में एक किसी का शिष्य तो है। अगर कुछ करोगा प्राणी जीव कुछ गलत करके जाएगा तो वहां शिकायत होगी कि भगवान आपका ऐसे करके आया, फिर वहां सोच करेंगे जिसका कोई है ही नहीं है, तो कहीं यहाँ कहीं वहां जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर इसी होनी जीव भटकता रहेगा। कितने बार जन्म लिया होगा, कितने बार मरे होंगे, कितने बार फिर जिएंगे, कितने बार फिर मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। भोग भोगते रहेंगे, रोग लगे रहेंगे, इतने रोग और भोग कभी समाप्त नहीं होते हैं। महाराज दशरथ के लिए दशरथ जी ने तपस्या की, मनुष्य रूप में बने, भगवान को वरदान में मांगा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहिए, दशरथ बन गए। दशरथ बनने के बाद फिर भगवान का प्रागट हो गया, भगवान का प्रागट हो गया तो भगवान का राज्याभिषेक कर देंगे, राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, सुबह राज्याभिषेक हो रहा है और शाम को कहीं कहीं के मेले पहुंच गए, जबकि सुबह तो राज्याभिषेक हो रहा था, तुमको कहीं कहीं के पास जाने की आवश्यकता क्या थी? काम जागृत हो गया, कहीं कहीं के यहाँ पहुंच गए, कहीं कहीं ने ध्वंस कर दिया, वासना दशरथ जी की समाप्त नहीं हुई। संस्कार के पहले पवित्र होना चाहिए, विश्वामित्र जी ने कहा था कि दशरथ और राम आज की रात्रि पवित्रता से रहना, दशरथ जी नहीं माने, वो भोगने चले गए, कहीं कहीं के भोग में कहीं कहीं में ध्वंस कर दिया, तो वासना बहुत प्रबल होती है, वासनाओं से मुक्ति माना बड़ा मुश्किल है। काम क्रोध लोभ मोह प्रोत्साहन दे दो, पढ़ लो, सुन लो, सुना दो, मिटता नहीं है, इतना जरूर हो कम हो सकता है, वासनाएं क्रोध को की जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती है, इसलिए वासनाएं जब भी होंगी, जब हमारे पांडे जी कह रहे थे हम लोग तो जा रहे थे कि रात में, तो किसी ने कहा कि ये ऐसे ऐसा कि खलाना समय का नष्ट हो रहा है, इन्होंने कहा कि मेरे भाई जो पृथ्वी में उत्पन्न हो गया है, जो पृथ्वी में धर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है, जीर्ण होता है, कमजोरी कहा जाती है लेकिन नष्ट नहीं होता है, इसलिए धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, धर्म में कमी कहा जाती है फिर बढ़ता है, फिर कमी आती फिर बढ़ता है, धर्म नष्ट नहीं होता है, इसलिए आप लोग सभी सद्धर्मी हैं, सनातनी है, आपका सनातन धर्म है, आपके ऐश्वर्य अभिवृद्धि मनदान की प्रभुता हो, ये हमारी शुभकामना है, और संपूर्ण पृथ्वी के लिए जीव जगत में और जड़ जगत में स्थावर जंगम चराचर के सभी प्राणियों में शांति हो, सद्भावना हो, इन शब्दों के साथ अस्तु स्त्री ही सर्वे वंश सुगना सर्वे शुद्ध रामाय सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दाहिने हाथ से राइट हैंड में डालो ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अग्रणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम छंदोग्यना स्वाहा, ओम दिवे स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम छंदोग्यना स्वाहा, ओम दिव्यना स्वाहा, ओम चंद्रमते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम छंदोग्यना स्वाहा।
ओम तथा ब्रह्मचारी अग्नि को लॉबी कर रहा है।